पे इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने ये समझ गए हैं कि अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस तरीके का हड़बड़ा ये अपना रहे हैं। लेकिन जिस जो जाल इन्होंने फेंका है वो जाल में खुद ही आरएसएस भाजपा वाले फंसने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सरहा। देखिए, सम्राट चौधरी ने एक और जहां लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी कह दिया, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को उन्होंने नौकरी को लेकर के बातें कही, तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा था कि चारा घोटाला लालू प्रसाद यादव जी ने किया, दूसरी ओर कई लोगों के नौकरी भी ले ली, कई लोगों का जो हक था वो ले लिया। वही अब इस पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेज प्रताप यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। तेज प्रताप जी, सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तो वो चारा खा गए, रेल मंत्री बने तो गरीबों का नौकरी खा गए। आप लोगों के लिए कहना है सीबीआई ईडी की जो चार्जशीट, इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने ये समझ गए हैं कि अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस तरीके का हड़बड़ा ये अपना रहे हैं। लेकिन जिस जो जाल इन्होंने फेंका है वो जाल में खुद ही आरएसएस भाजपा वाले फंसने वाले हैं। सर, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहेंगे? सर, सीट शेयरिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। सर्वंत कुमार कह रहे हैं सीट शेयरिंग में बहुत दिक्कत, सीट शेयरिंग का वो सब जो लीडर हैं वो जानेंगे। क्या आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा? सर, क्या आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा? सर, आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा? जो भी लोग उठा दिए ना उसको, सख्त सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। आप लोग का कितना सीट पे दावा रहेगा? सर, आप लोग का कितना सीट पे दावा रहेगा? पूरा इंडिया महागठबंधन कल झंडा लहराएगा केंद्र में। सुना आपने किस तरीके से सम्राट चौधरी के द्वारा दिए गए बयानों पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं तेज प्रताप यादव और जमकर कहते नजर आ रहे हैं। इसलिए कि जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।